रायपुर बिलासपुर हाईवे पर एक हादसा हो गया है। सड़क पर खड़े ट्रेलर को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में क्लीनर दोनों ट्रकों के बीच फंसा हुआ है। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद क्लीनर को बाहर निकाल लिया गया है। गंभीर हालत में उसे बेकार रेफर किया गया। दरसीवा थाना इलाके के पास का यह हादसा जहां एक बड़ी घटना हो गई। तहसीन से भी जुड़ गए हैं। तहसीन, कैसे ये घटना हुई और अभी क्या जानकारी है? देखिए, ये जो है दरसीवा इलाके की घटना है जो बिलासपुर रायपुर हाईवे है, इसमें उस वक्त की घटना बताई जा रही है। इसमें ये धान लेके जो एक ट्रक जो है रायपुर आ रहा था, वहाँ रस्ते में खराब ट्रक होता जो ट्रेलर जिसे कहते हैं कोयले से भरा था, तो उसने पीछे से आके जोरदार टक्कर मारी है और इसकी वजह से जो उसमें जो क्लीनर बैठा था उसमें वो फंस गया। और उसके बाद वो जो है मौके पे जब सूचना प्राप्त हुई तो फायर ब्रिगेड और पुलिस के स्टाफ वहां पहुंचा है और वहां स्थानीय लोगों की मदद के साथ साथ और वहां जो फैक्ट्री है उनसे गैस कटर बुलवा के उसको करीब 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला गया है। उसकी भी हालत जो है गंभीर बताई जा रही है और उसको भी मेकारा रेफर किया गया है। आदित्य, यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो रायपुर बिलासपुर हाईवे है ये बना जरूर है लेकिन इसमें कई तरह की खामियां भी इसमें सामने आई हैं और ये कोई पहला ट्रक हादसा पहला सड़क हादसा नहीं है। इससे पहले भी इस तरीके के कई बड़े हादसे हुए, क्योंकि ये कहा जाता है कि हाईवे जो है वहां पे जो बीच में ट्रक खड़ा कर देते हैं और उसमें ना तो किसी तरह के कोई सुरक्षा उपाय लगाए जाते हैं, ना निशान लगाए जाते हैं, मार्क किए जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के हादसे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो प्रशासन है, जो यातायात पुलिस है, उसको अभी तक संज्ञान नहीं लिया। फिलहाल अभी जो है वो क्लीनर को बाहर निकाल लिया गया है और अभी उसको मेकारा रेफर किया गया है। जी शुक्रिया आपका तहसीन जानकारी के लिए।